बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इधर देखिए दोस्तों, कुआं का पानी है, मतलब अभी इस समय तो खाली दिखाई दे रहा है पर खाली ये नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी दोपहर के मतलब बज रहे हैं 2, और इधर देखिए दोस्तों कितना शानदार पहाड़। ये जो पहाड़ देखता हूँ ना दोस्तों, तो सच में दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि हमारे उधर तो पहाड़ ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, तो देख के तो दोस्तों मज़ा आ जाता है। एक बार हम लोग वहाँ पर गए थे चढ़ने के लिए, मतलब चढ़ते चढ़ते आधा घंटा लग गया था। एक पहाड़ तो बहुत छोटा दिख रहा है इसमें, मतलब चढ़ते चढ़ते आधा घंटा लग गया था, तो हम पूरा भी नहीं चढ़ पाए थे, मतलब आधा ही केवल चढ़े थे। वो मतलब वो जो यहाँ से नहीं दिखेगा, नहीं तो यहाँ से जो अगर जो मतलब थोड़ा हाई क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन होता तो जूम करके दिखा देता, पर यहाँ से नहीं दिखेगा दोस्तों। दोस्तों पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मतलब हमारे विजय भैया के मतलब अंकल के लड़के का शादी है। और उधर देखिए दोस्तों, वहाँ पर भैया खड़े हैं जिनकी शादी है। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भैया हैं। नमस्ते। और भैया? हाँ बताइए, और क्या हाल है? ठीक है, किसी तरह। और आज तो चले गए लगन? हाँ आज चले गए भैया का। दोस्तों आज लगन है, तो भैया का मतलब बहुत लोग, मुकेश भाई, विजय भैया, मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगन लेके चले गए। हम नहीं गए दोस्तों, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ऐसे ही वीडियो शूट करना था। क्यों भैया? हाँ दोस्तों, हमारे मतलब गाँव देहात में ज़्यादातर यही होता है ना, कि मतलब जब कोई लड़के का शादी हो, मैंने शादी फिक्स होने जाती है, तो मतलब जब लगन जाती है तो मतलब दूल्हे लोग नहीं जाते हैं। क्यों भैया? हाँ, नहीं जाते। आपके इधर भी नहीं जाते हैं? नहीं। हमारे उधर भी नहीं जाते हैं दूल्हे लोग। हाँ, हमारे भी उधर भी नहीं जाते हैं। फिर हरदी वर्दी लगाएंगे? हाँ, अब हरदी वर्दी भैया को लगेगा, भैया का, क्योंकि कल या परसों है ना शादी। दोस्तों हम लोग बराते तो जाएंगे, मतलब बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। मतलब आए हैं यूपी से और जाएंगे बरात, मतलब आए हैं यूपी से झारखंड, और झारखंड से जाएंगे बरात कहाँ पे भैया? बंगाल जाना। बंगाल जाएंगे बरात दोस्तों, सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों इस मतलब अभी मतलब वो लोग तो चले गए हैं, तो चलते हैं मतलब थोड़ा भैया का हम घर भी दिखा देते हैं, कि मतलब उनका मतलब भैया ने क्या क्या चेंजेज किया। कि भैया कुछ तो जो थोड़ा बहुत चेंजेज किया है, क्योंकि हम वीडियो में देखते थे घर में बहुत चेंज हुआ। हाँ तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत देखते हैं। इधर आइए भैया, चाबी लेके। ये देखिए दोस्तों, ये भैया का घर है। ओहो दोस्तों, हम यहाँ पर तो कुछ अंदर नहीं देख सकते अभी, क्योंकि भैया के मतलब घर में ताला मारा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, यही गेट है, ये एंट्री गेट है, तो हम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ताला मारा हुआ है इसमें। क्यों भैया? चाबी लेके आना पड़ेगा। चाबी लेके आना पड़ेगा, और चाबी का मम्मी है ना। हाँ हाँ, तो अब लेके आएंगे, फिर चलेंगे अंदर का, मतलब थोड़ा बहुत सीन दिखाएंगे भैया लोगों को, कि मतलब साफ सफाई तो साफ सफाई भैया ने कल ही कर दिया था दोस्तों। बहुत ही अच्छे से बहुत सुंदर दिख रहा है अंदर का लुक। ये देखिए दोस्तों, बाथरूम कितना शानदार दिख रहा है, मतलब बाहर से तो दिख रहा है दोस्तों, हम सब आप सभी को अंदर से भी दिखाएंगे, पर अभी चाबी ही नहीं है तो क्या करें, मतलब थोड़ा समय रुक के दिखाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत ऐसे आगे टहरते हैं। क्यों भैया? चलिए दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। अभी हम आगे की तरफ जा ही रहे थे, तो आप लोगों को मतलब सोचा कि मतलब पीछे का भी सीन दिखा दे भैया के, क्योंकि आप सभी को, क्योंकि आप सभी ने तो कभी पीछे का लुक देखा ही नहीं भैया के घर का। दोस्तों अभी हम आप सभी को पीछे का सीन दिखाते हैं। इधर देखिए दोस्तों, कितना शानदार, कितना मज़ेदार, कितना अच्छा दिख रहा है भैया का सपनों का घर। सच में दोस्तों, वाकई में ये सपनों का घर है दोस्तों। अभी हम पीछे से दिखाते हैं कि कितना शानदार, कितना अच्छा दिखता है। चलिए दोस्तों, अभी हम नीचे चलते हैं। इधर देखिए दोस्तों, अभी हम भैया के मतलब घर के एकदम निचली हिस्सा में आ चुके हैं, और यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है भैया। भैया सच में दोस्तों, इस घर को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ झेले, क्योंकि हम शुरुआत से इनका वीडियो भैया का देखते आए हैं। ऐसे मतलब इतना धूप में पसीना गार गार के भैया ने यहाँ पर अपने हाथों से एक एक ईंट अपने हाथों से जोड़ा है दोस्तों। सच में दोस्तों, भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, कि मतलब भैया का मतलब कुछ खेती बाड़ी है इधर करते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, कितना खाल है, कि बहुत ज़्यादा खाल दिख रहा है सब यहाँ से ऊपर ज़मीन। और यहाँ पर भैया ने अपना शुरुआत किया था जोड़ने के लिए। सच में दोस्तों, भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तब आज जाके इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ऊपर चलते हैं, आप सभी को तो नीचे का सीन दिखा दिए। और ये देखिए दोस्तों, कुछ ऊपर का सीन इस तरह का है, ऊपर हम जा नहीं सकते, ऊपर हम जा नहीं सकते दोस्तों। अभी हम चलते हैं आगे, टहरते टहरते मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही आप सभी को कुछ भी दिखाएंगे। तो हम ऊपर आ गए हैं दोस्तों, अभी हम चलते हैं मतलब वहाँ पे भैया के घर के सामने एक तालाब है, वहाँ पर देखते हैं कि मतलब वहाँ पर मछली वछली है कि नहीं है। मतलब होंगी तो दिखाई नहीं देंगी, तो पक्का है, मतलब पूरा भरोसा है दिखाई नहीं देंगी। चलते हैं दोस्तों, अभी हम भैया के मतलब घर के सामने एक तालाब है, वहाँ पर चलते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर तालाब के पास आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव में जैसे भैंस होती हैं, यहाँ पर भी मैं मतलब यहाँ पर अलग नाम पता नहीं क्या बोलते हैं इधर। उधर देखिए, चार भैंस हैं इधर चल रही हैं, वो तालाब बगल में है। भैंस लोगों की प्यास लगेगी तो बगल में नहा लेंगे। अभी चलते हैं आगे दोस्तों, कि मतलब चलते हैं भैया के घर के सामने, देखते हैं कि क्या क्या है।
और इधर देखिए दोस्तों कटहल बहुत ज़्यादा फरा है। हमारे गांव में तो होता है तो पर इतना नहीं फरता है। इधर देखिए दोस्तों कितना सारा कटहल फरा हुआ है, बहुत ज़्यादा फरा हुआ है। हमारे गांव में होता है तो केवल पेड़ ही होता है, पेड़ में तो कुछ लगा नहीं रहता है। अभी चलते हैं मतलब थोड़ा बहुत और आगे, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सीन। उधर देखिए दोस्तों हमारे उधर तो भैंस को झोपड़ी बना के मतलब झोपड़ी में रखते हैं, और यहाँ पर देखिए ऊपर से मतलब कुछ इस तरह से है, नीचे मतलब गाय वगैरह भैंस वगैरह रहती हैं। इधर देखिए एक गाय भी है और बाकी सब वही चले गए हैं चरने के लिए और कुछ पानी दाना पीने के लिए। इधर देखिए दोस्तों कितना शानदार है, मतलब कि यहाँ कितना प्यारा बनाया है इन्होंने। मतलब यहाँ पर दोस्तों भैंस लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा ठंड मिलती है, इसलिए यहाँ पर बने रहते हैं दिन भर। चलते हैं अभी दोस्तों हम अगले, और हाँ दोस्तों हम यहाँ पर एक जगह पे आए हैं। इधर देखिए दोस्तों रेलवे पटरी, इधर देखिए दोस्तों रेलवे पटरी। यहाँ पर मतलब दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमारे गांव से तो गाँव में तो है ही नहीं, और यहाँ पर आने के बाद मतलब जब ये रेलवे पटरी देखता हूँ ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अभी मतलब ट्रेन भी आएगा तो आप सभी को ट्रेन भी दिखाएंगे। इधर देखिए दोस्तों कितना शानदार, कितना बढ़िया, कितना अच्छा रेलवे पटरी। इधर देखिए दोस्तों मतलब हम जब मुंबई गए थे तभी देखे थे, उसके पहले तो नहीं देखे थे। अभी ट्रेन आ रही है दोस्तों, हम बगल हो जाते हैं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इधर देखिए दोस्तों अभी ट्रेन आएगा तो ट्रेन का भी सीन दिखाएंगे दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ट्रेन का हॉर्न तो मुझे सुनाई दिया है दोस्तों, पता है हमारे गाँव में तो ना ही ट्रेन है ना ही मैंने रेलवे पटरी ही नहीं तो ट्रेन कहाँ से होंगी। तो ट्रेन आ रही है दोस्तों, अभी आप सभी को ट्रेन भी दिखाएंगे। आ रही पीछे वहाँ पर देखिए, वहाँ पर देखिए दोस्तों वहाँ पर देखिए कितना तेज रफ्तार से आ रही है। इधर देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों कितना फास्ट से ट्रेन जा रही है। सच में दोस्तों जब ये ट्रेन देखता हूँ ना तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है दोस्तों। पता है हम मुंबई में काम करने के लिए गए थे, मतलब हम भी बहुत काम किए हैं दिहाड़ी मजदूरी से रिलेटेड, बहुत काम किए हैं दोस्तों। पता है मतलब दो बार हम मुंबई में काम करने के लिए गए हैं, दो बार में मतलब इतना मतलब जितना खर्चा बोलो तो उतना ही कम, जितना मैं कमाने गया था उतना गंवा के आ गया था दोस्तों। पता है क्योंकि हमारा उंगली जो है ये उंगली ये सब मतलब फट गया था, पूरा एकदम से फट गया था दोस्तों। मतलब इस हाथ में जितना खून था सब गिर गया था, मतलब इसमें टाइल लग गया था। हम टाइल का काम करने के लिए गए थे तो मतलब टाइल लग गया था दोस्तों, तो हमारा मतलब इस हाथ में मतलब इतना दिक्कत आया था ना, मतलब इस हाथ में तो इस उंगली में तीन बार दिक्कत आ गया है। मतलब ये हमारा जो हाथ है ना दोस्तों सच में बता रहे हैं कि तीन बार इसमें दिक्कत हुआ है, और तीसरे बार में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे बहुत तकलीफ हुआ था दोस्तों। 7 टाका लगे थे इसमें, 7 टाका बहुत ज़्यादा दुख हुआ था दोस्तों। कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था तो मुझे ही पता है ना। 7 टाका लगने के बाद जब रात को मतलब शाम को टाका लगा था, जब रात को मतलब उसका नशा उतर गया था दोस्तों, कसम से सच बता रहे ना हम पूरी रात भर नहीं सो पाए। मतलब ऐसी स्थिति जब आ जाए तो उसके पहले दवाई मतलब खरीद कर रखना चाहिए कि मतलब सुन की जो सोई उतर जाए तो मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत से बचाने के लिए दोस्तों। कसम से सच बता रहे हैं ना हम पूरी रात भर नहीं सो पाए थे। और इधर देखिए दोस्तों अब रेलवे मतलब ट्रेन चली गई है, हम भी चलते हैं थोड़ा मतलब भैया के उधर, क्योंकि अभी भैया तो है नहीं, अब यहाँ पर कोई नहीं है। मुकेश भाई और सभी लोग मतलब चले गए हैं तो हम यहाँ पर अकेले हैं, तो सोचा कि एक ही वीडियो शूट कर लें। और उधर देखिए भैया का घर है, हम अभी घर भी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मतलब अभी भैया भाभी मतलब भाभी तो हैं, भैया गए हैं, केवल भैया से चाबी अभी नहीं मांग, मैंने भाभी से भी चाबी नहीं मांगेंगे। जब भाभी मतलब समय मतलब उनको छुट्टी जब मिल जाएगा तब चाबी मांगेंगे, या फिर हमारे मुकेश भाई अभी ये भैया सभी लोग आ जाएंगे तो मतलब उनसे चाबी मांगेंगे भैया से कि चलिए भैया थोड़ा आपका घर भी देखते हैं कितना शानदार है, कितना अच्छा है। उधर देखिए दोस्तों हमारे गांव में जो खेत वगैरह होते हैं ना एकदम सेम वैसा ही इधर भी है। हम अपने खेत में मतलब दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, मतलब ये लौकी और उधर क्या है, उधर मूली और उधर क्या है, इधर ये भी लौकी है वो भी लौकी है और ये पता नहीं क्या है, तो मतलब ये धनिया है। हम दोस्तों अपने घर पर बोए हैं, उधर काकर भी है शायद, हाँ काकर है दोस्तों, हम भी अपने घर पे बोए हैं। मतलब अभी तो खाने का नसीब तो नहीं हुआ क्योंकि हम मतलब पिछली बार जब आए थे तब भी नहीं फड़ा था, और इस बार जब गए थे तो मतलब फरा तो हमारे घर वाले ने तुर के खा लिया था, तो हम अभी नहीं खाए हैं दोस्तों। इस बार जाएंगे तो ज़रूर खाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। हम आप सभी को भी दिखाएंगे कि हमने कैसा मैंने हम वहाँ पर कैसा खेती करते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना दोस्तों वैसे ही।
पर हमारे वहाँ ज़्यादा हरियाली दिखता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, पर यहाँ थोड़ा पानी का मतलब दिक्कत होता है इसलिए थोड़ा जल जाता है। हमारे उधर दिक्कत नहीं है पानी का, मतलब जब काम आए तब चला देता हूँ, हो जाता है। और इधर देखिए दोस्तों, अरुई, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, आप सभी लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको, हम लोग मतलब अपने गांव देहात में अरुई ज़्यादातर बोलते हैं। इधर देखिए दोस्तों, इसमें पानी चलाया हुआ है, उसमें नहीं चलाया हुआ है। और दोस्तों इधर आइए, दिखाते हैं आप सभी को, आप सभी को कुआं दिखाते हैं दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, पता है दोस्तों हमारे वहाँ पर नल वगैरह होते हैं तो हम वहाँ से नल से पानी पीते हैं, पर यहाँ पर भैया के यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर कुआं से पानी पी रहे हैं। दोस्तों सच में बता रहे हैं ना कि इस कुएं का पानी इतना ठंडा है कि जैसे फिल्टर का पानी लगता है वैसा ही लगता है पीने में, दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इधर देखिए दोस्तों, कुआं का पानी है, मतलब अभी इस समय तो खाली दिखाई दे रहा है, पर खाली ये नहीं है, मतलब अभी वही जो पानी दिखाए हैं वो पानी चला दिए हैं, इससे पानी निकाल दिए हैं, तो मतलब ये कम हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके मतलब ज़्यादा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं जब मुकेश भाई लोग आएंगे, या फिर अब देखते हैं कब आएंगे। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, उसके बाद में मुकेश भाई आएंगे, विजय भैया, मतलब सभी लोग आएंगे तो आप सभी को मिलाएंगे। दोस्तों अभी हम मुकेश भाई के पास फ़ोन लगाए और मुकेश भाई से पूछे कि कब आओगे, तो उन्होंने बोल दिया कि 12 मतलब बज जाएंगे रात को। तो दोस्तों इस ब्लॉग में मतलब हम अकेले बोलने की प्रयास किए हैं, मतलब हमारे मुकेश भाई साथ में रहते हैं तो बोलने में दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में अगर जब कुछ भी गलती होगी तो माफ़ कर देना दोस्तों, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को कुछ भी हमारे छोटे से ब्लॉग में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हम मिलते हैं आप सभी से किसी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।